वेलकम टू लैंड फॉर एग्जाम माई नेम इज गुरपीत सिंह एंड दिस विल टॉक अबाउट द फियर ऑफ क्वान्स सो इन एम बी एग्जाम्स जो क्वार के लिए फियर है लोगों का वो बढ़ता चला जा रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं जैसा क्वान का एक क्रैश कोर्स निकाल दो सिर्फ क्वान क्वान का नॉल लेट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट सो क्वांट्स फेयर ये मैंने इसको कुछ मीम्स से रिलेट किया है द थप्पर से डर नहीं लगता साफ मैथ से लगता है एंड आई नो बहुत लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे सो so, इसका सल्यूशन क्या है और कैसे करना है इट्स वेरी ईजी ऑल राइट बस एक अच्छी अप्रोच होनी चाहिए वैसे भी क्वांट कुछ टफ नहीं है अगर इतनी टफ होती तो कोई कर ना पाता पहली बात तो ठीक है सो टू स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द टॉपिक यू फेयर ओके okay, और उसके बाद एक तो एग्ज़ाम कौन सा दे रहे हो उसमें मैं एम बी एग्ज़ाम्स को मेजरली दो कैटेगरी में रखता हूँ जैसे कि एक होती है आपकी कैट जिसमें जैड भी आ जाता है और जिसमें आई एफ टी भी आ जाता है और एक कैटेगरी आपकी होती है एन मैट वाली जिसमें स्नैप आ जाता है और जिसमें आपका एम एस सी टी भी आ सकता है सो इन एग्जाम्स के अंदर क्वांट जो होती है उसके अंदर आपको एक मिनट मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए इसके अंदर आपको सफली समवेयर अराउंड टू मिनट्स मैं अप्रॉस लेके चल रहा हूँ ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ ठीक है सो अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल ऊपर होगा जब टाइम कम है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचे होगा फॉर श्योर समझने वाली बात है अंडरस्टैंडिंग है बट स्टिल ना बच्चों को क्वांट इसमें ईजी लगती है ना ईजी इसमें लगती है सो ईजी तो दोनों में नहीं लग रही है अब इजी करना कैसे और कैसे स्टार्ट करें और क्या करना है उसके लिए अगर आप पहले ही रिपीटर हो या पहले पढ़ चुके हो या कुछ थोड़ा बहुत आता है मैथ्स में तो पहले तो आप ये ढूंढो कि आपको फियर किस बात से है कौन से चैप्टर से है देआर मेजरली फोर थिंग्स फर्स्ट इज द आर्थमेट्रिक जिसके अंदर आपका रिश्वशन परसेंटेज नंबर सिस्टम ये सब आता है फिर उसके बाद आपका आता है जोमेट्रिक uh, जिसके अंदर आपके ट्राइंगल्स मैं ये सब सर्कल वाला पार्ट फिर उसके बाद आपका आता है एल्जेब्रा जो कि ट modern modern आप आपको कौन सा लगता है पहले तो वो देख लो ठीक है जो आपको नहीं आता वो बिल्कुल आपको कि सर इससे तो मतलब आता भी हो लाइक डर लगता है मतलब हो ही नहीं सकता है, मेरे से हो ही नहीं पाती जोमेट्री है मेरे से हो नहीं पता ये पहले तो उसको देखो और उसको ही स्टार्ट करना अगर आपके पास आपको पता है कि वो क्या नहीं आता क्योंकि आपके पास अभी टाइम है ठीक है तो आप इसको अभी कर सकते हो आगे जाके तो शायद टाइम ना बचे तो इसलिए जो उससे डर लगता है पहले तो उसी को स्टार्ट कर लो दैट्स द बेस्ट यू कैन डू और अगर नहीं मतलब आपने अभी भी स्टार्ट किए तो आगे मैं बताता हूँ कि क्या करना है ठीक है एंड वन गुड न्यूज यू हैव इज द गुड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू फर्स्ट कि इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एग्जामिनर डू नो टेस्ट हाउ यू आंसर द क्वेश्चन और द मैथड यू हैवॉप्टिड सो मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा जब वो सॉल्व कर रहे होते हैं दे विल स्टार्ट डूइंग लाइक कि अरे एक्स इजिकल टू दिस फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरी लाइन लिखेंगे नीचे जाके आंसर आएगा उनका क्यों कर रहे हो भाई उन्होंने नहीं चेक करनी है आपकी रेफ शीट्स को दे आर नॉट to चेक इट आउट ओके वो रेफ शीट को आपके बिल्कुल भी चेक नहीं करने वाले कूड़े में जाती है तो प्लीज़ अपना मैथड या फिर क्वेश्चन जैसे कर रहे हो उसको इतना सजा संवार के निकले की जरूरत पहले है नहीं ठीक है तो उसमें थोड़ा सा कम टाइम बचाओ जहां आपको कैलकुलेशन करनी पड़े थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वो भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है उसको कैलकुलेशन को कैलकुलेशन फियर भी काफ़ी लोगों को होता है उसके बारे में बात करते हैं आगे क्योंकि एनमेट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कैलकुलेशन फियर ठीक है उनको चाहिए क्या दे आर टेस्टिंग योर स्किल स्पीड एंड एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज़ें चाहिए उनको तो आप प्लीज़ अपना इस चीजों में टाइम ना वेस्ट करें कि सजा सवजा के लिखने की जरूरत नहीं है सिंपल सिंपल अपनी स्किल स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करें नेक्स्ट स्टार्ट विथ अर्थमेटिक्राफी और न्यू तो स्टार्ट करना है अर्थमेटिक से अगर आप नई नई प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड स्टार्ट विद द रेशो चैप्टर एंड इट पहले रेशो से स्टार्ट करिए बिकॉज यही चैप्टर आपको जोमेट्री में भी काम आने वाला है लेबर में भी काम आने वाला है और यही आपका मॉडर्न मैथ्स में मतलब हर जगह पे रेशो तो हर जगह पर है हर चीज़ में घुसी की रेशो सो so, पहले तो आपको रेशो अच्छे से आना चाहिए रेशो अच्छे से आ गया उसके बाद ही आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं तो स्टार्ट विद द रेशो एंड ये एकऑर्मी में जानिंग ये मैथ्स बच्चों के सीखने की चीज़ है एक बार आ जाए तो लाइफ बदना देती है ओके okay, सो so, मैंने पहले भी कहा कि मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऑल राइट सो इट्स ईजी बट यू नीड अ राइट अप्रोच सो राइट अप्रोच इज स्टार्ट विद द रेशोज ऑल राइट एंड दिस इज़ फॉर द एम बी एग्जाम्स में एम बी एग्जाम्स के मैथड से बोल रहा हूँ नाउ फॉर दी एनमेट एनमेट के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि कैलकुलेशन का फियर जो होता है जो आई विल से कि लाइक like बड़ी बड़ी देख के बच्चे डर जाते हैं यार खो नहीं पाएगी एनमेट के अंदर डी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन बहुत ही होता है मतलब डी के चैप्टर का क्वेश्चन आप पढ़ोगे एग्जाम के अंदर वो हो मतलब साफ साफ दिखेगा ये रहा ग्राफ ये रही इक्वेशन इसको ऊपर नीचे से डिवाइड किया आंसर आ रहा है बट वो लिम्बर ही ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि टू नाइन थ्री फोर सेवन फाइव अपॉन टू पॉइंट थ्री फाइव अब भाई साहब मतलब बंदा पागल वो इसको भी सिक्स कर देते हैं चलो अब तो और मतलब करेंगे ही नहीं ओ हो डर लग जाएगा इसको कैसे हटाना है सो डेवलप दैट हैबिट कैसे अब हैबिट को डेवलप करना है वेन एवर यू आर इन रोड और समथिंग सो so, क्योंकि इस समय आप फ्री होते हो जब आप ओला में बैठते हो उब में इफ यू आर ड्राइविंग देन डू दैट डोंट डू दैट ओके एक्सीडेंट हो जाएगा पक्का में रह हो चुका <laughs> ठीक है सो डोंट डू दैट इफ़ यूर इन लाइक ओला उबर इफ यू नॉट ड्राइविंग देन फाइंड अ कार रीड द नंबर और रिटर्न ऑन इट एंड डू द मल्टीप्लीकेशन एडिशन अप्रैक्शन और डिवाइड विद एट लास्ट फोर डिजिट्स इन लास्ट फोर डिजिट्स के साथ सिक्स इंटू फाइव थर्टी और सिक्सटी फाइव इंटू सिक्स करके देखो ऐसे बहुत सारे नंबर्स को आप आराम से अपने दिमाग में कर सकते हो सिक्सटी सिक्स इंटू फाइव कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी कर सकते हो आप ठीक है सिक्सटी फाइव बाई डिड बाई सिक्स ऐसे बहुत सारे की चीजें आप कर सकते हो इससे आपका फेयर जो है धीरे धीरे जाने लगेगा और लेट दिस विल ठीक है एंड इट विल हेल्प यू टू रिमूव योर फेयर आई विल से ठीक है आपका जो फेयर है एकदम खत्म हो जाएगा All right, and we provide the learn for exam live classes. All right. So for more you can visit our website learnforexam.com You can and you can see our past year results as well. 2017 with 200 plus students, 2018 with 850 plus students and 2019 mein, let's see. And these are the features of the learn for exam. We provide the live classes. You have access to the class recordings. Online tests will be available on my website. Pe. Best trainers we have. It's only take one to two minutes to connect to the live class and it's a two-way interaction. Plus, we are offering some courses, the MB 2019, which covers all the MB exams, NMAT, SNAP 2019, specifically the NMAT and SNAP, and the repeaters 2019, GMAT 2019, Test 2020, GK 2019, and the entrepreneurship management skills. All the uh, courses are listed on our website. You can go and check it out. And these testes are also available on our website. And these are the reviews by our students and the results as well. So, if you want to read them, you can just pause the video and just go through it. All right, Paki. और भी आप जाके विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको ठीक है एंड जी के को उसमें अगर रोल नहीं किया तो कर लो बहुत जल्दी उसमें भी काफी सारी चीज़ें आने वाली मैं आपको आगे उसकी वीडियो भी दूंगा और डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन फेसबुक यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट ऑल द सोशल मीडिया ऑल राइट एंड हिट द लाइक लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद यस एंड डोट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड बहुत जल्दी अगर इफ यू वॉन्ट अब जब तक यहाँ तक रुके हो तो बताओ आपको क्वान का क्रैश कोस चाहिए कि नीचे कैट के लिए इफ यू वॉन्ट दैन प्लीज लेट मी नो आई कैन स्टार्ट दैट क्रैश कोस स्पेसिफिकली फॉर द क्वॉंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग